Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, Debunking Mythology. Satology यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है मिथोलॉजी शब्द, जिसका मतलब है झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. तो आज हमारे साथ आपके बहुत ही प्रिय प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रजनीश जी के ऊपर. सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी. नमस्कार. 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 आपने ऐसा टॉपिक चूज किया है, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं क्योंकि आपके मित्र भी रह चुके हैं. रजनीश जी आप उनको जानते हैं, मध्य प्रदेश से हैं. तो बहुत हमारे दर्शक लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार कि आचार्य रजनीश को आप किस तरह आप देखें, मतलब किस तरह देखें उनको, क्योंकि उनके विषय में बहुत ही कम लोगों को मालूम है और क्योंकि आपके मित्र हैं तो इट इज इजी फॉर मी टू आस्क. तो पहले तो इनका जो शुरुआत हम देखते हैं कि अध्यापक के रूप में शुरू हुए, फिर उसके बाद आगे गए, तो प्लीज थोड़ा इनके बारे में बताइए एंड देन आई विल आस्क जो भी क्वेश्चंस आएंगे. प्लीज. ठीक है. सत्यलॉजी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार. आचार्य रजनीश जिन्हें हम लोग कहते हैं वो उनके तीन रूप हैं विद्यार्थी के बाद. पहले तो वो अध्यापक हुए और उसके उस समय ही जब वो दर्शन के अध्यापक थे उन्होंने जबलपुर में ध्यान शिविर लगाने शुरू किए. तो जैसा हमें भी विद्यार्थी लोग आचार्य कहते हैं आदर से, तो उनको भी आचार्य कहते थे. तो उनका पहला नाम है आचार्य रजनीश. तब वो जबलपुर में गढ़ा फाटक के पास रहते थे. तब हम लोग काफी मिलते जुलते थे क्योंकि वो शिक्षक थे और हम दर्शन के विद्यार्थी उनके तो नहीं थे, लेकिन अपने कॉलेज में मैं दर्शन पढ़ रहा था और वो नरसिंहपुर के पास के थे और उन्होंने दर्शन का अध्यापन का कार्य कुछ समय थोड़े समय किया था, तो इसलिए बहुत आदर था मुझे उनका. इसके बाद वो कुछ समय बाद हमारे देखते ही देखते जबलपुर में उनकी जो नेम प्लेट थी फाटक में जहां आचार्य रजनीश लिखा रहता था वहां भगवान रजनीश लिख दिया गया. फिर उनके शिष्यगण उन्हें भगवान रजनीश के नाम से पुकारने लगे, संबोधित करने लगे, स्मरण करने लगे, प्रचार करने लगे. फिर कई वर्षों बाद हमने देखा कि जब वो विदेश में गए तो वो ओशो बन गए. ओशो एक जापानी शब्द है. और इस तरह उन्होंने तीन नाम तो मुख्य रूप से बदले, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और ओशो. अब उनके बारे में संक्षेप ये है कि वो बहुत ही सुंदर, सुडौल, मेधावी, अध्ययनशील और बहुत श्रेष्ठ वक्ता थे. उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और जितनी स्मरण शक्ति अच्छी थी उतना ही उनका अध्ययन का अध्यवसाय भी अच्छा था. नियमित पढ़ते थे, नियमित. उनकी गढ़ा फाटक में ही उनकी अपनी एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, अन्य पुस्तकालयों से भी पुस्तक मंगवाते रहते थे और खूब पढ़ते थे और उनको याद भी हो जाता था. दूसरा, उनके बोलने की शैली बड़ी प्रभावी थी. कथाओं के द्वारा, आख्यानों के द्वारा, उपमाओं के द्वारा, रूपकों के द्वारा वे बात को प्रस्तुत करते थे जो साधारण औसत बुद्धि के व्यक्ति को तत्काल ग्रहण हो जाए. और इस प्रकार बहुत ही सुगम ढंग से वो कुछ गहरी बातें भी कह देते थे. तो ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं. अब जो दूसरा पक्ष है उस पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे. तो जो सबसे पहले उन्होंने ध्यान शिविरों का आयोजन शुरू किया, तो उसमें तो मैं नहीं गया, लेकिन जो उनके व्याख्यान होते थे जबलपुर में, राइट टाउन में, जिसे बाद में शहीद स्टेडियम कहा गया, वहां पर तो हम लोग जाते थे. वो प्रारंभिक व्याख्यान है और जबलपुर में वो काफी चर्चित हो गए. बहुत जबलपुर के सभी प्रभावशाली लोग एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक अच्छे अध्यापक वक्ता के रूप में उनको जानते थे. तो हम लोग जाते थे. फिर उनका कई लोगों ने विरोध भी शुरू किया, तो उस समय हम लोगों ने उन विरोध करने वालों का विरोध किया, जिसमें जबलपुर के कई बड़े प्रसिद्ध व्यवहार जी थे और बहुत से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और हम जैसे जो छात्र नेता थे उन्होंने भी आचार्य रजनीश के पक्ष में कई वक्तव्य दिए समाचार पत्र में, बहुत उनका पक्ष लिया.
तो उनका जो पहला भाषण हुआ उस वो पुस्तकाकार भी छपता था, और प्रारंभ में जैन नवयुवक मंडल, क्योंकि वो जैन थे तो जैन नवयुवक मंडलों का एक सघन जाल बना, और उन लोगों ने उनका इस आत्मगौरव के साथ प्रचार शुरू किया कि ये हमारे जैन समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं, कुशल वक्ता हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जगह जगह उनके व्याख्यान जैन नवयुवक मंडल ने आयोजित किए, फिर देश में भी जैन नवयुवक मंडल उनका व्याख्यान आयोजित करने लगे। धीरे धीरे वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि अन्य सामाजिक संगठन भी उन्हें खूब आदर के साथ बुलाने लगे। जो पहला व्याख्यान हुआ उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि वो शॉर्ट हैंड में नोट भी लेते रहते थे, एक पुष्पेंद्र नाम था शायद वो लड़के का जो सबसे पहले उनका सचिव था, जैन था वो भी, सुंदर अच्छा लड़का था, तो वो संयोजन करता था। तो पहली पुस्तक छपी गांधी, मुझे नाम पूरा नहीं याद आ रहा, और अस्वीकृति में उठा हाथ, है ना, गांधी, फिर एक कोई और नाम था और अस्वीकृति में उठा हाथ, मतलब मैं इनके सबके प्रति आदर रखते हुए भी इनके विरुद्ध अस्वीकृति में अपना हाथ उठाता हूँ। तो उस समय हम लोग युवक थे तो बड़ा आकर्षण लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा अध्यापक भी है, लोकप्रिय हो रहा है, और वो खुल के गांधी जी के विरुद्ध, गांधी जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी जिन बातों से असहमति है उन्हें बोलता है, तो बड़े आकर्षित हुए। तो धीरे धीरे लगभग 2 साल में वो काफी लोकप्रिय हो गए जबलपुर में, और फिर उन्होंने एक व्याख्यान माला शुरू की। पहली व्याख्यान माला ये जो गांधी और अस्वीकृति में उठा हाथ, उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, उसके बाद जो दूसरी व्याख्यान माला आयोजित की वो बाद में पुस्तकाकार छपी संभोग से समाधि की ओर। मैं दर्शन का विद्यार्थी था और योग का अभ्यास बहुत कम आयु से करता था, तो इसलिए, और वो शुरू में मुझे मेरी टिप्पणी को, मेरे भाव को, मेरी रुचि को ध्यान भी बहुत देते थे कि क्या है। तो हम लोग सब जाते थे, थोड़े से लोग ही थे, 60-70 लड़के रहते होंगे उस व्याख्यान में, 2-4 बड़े भी रहते थे। तो वो जब उन व्याख्यान देना शुरू किया तो मैंने, मेरा चेहरा काफी कड़ा हो गया, तो बाद में मेरी टिप्पणी भी थी जो उनको उन तक गई टिप्पणी, मैंने कहा कि ये तो तत्वों का शरारत पूर्ण संयोजन आचार्य श्री कर रहे हैं। खैर, ये आचार्य श्री को तो कैसे पसंद आता, उनके प्रशंसकों को भी पसंद नहीं आया, और उसमें उन्होंने तथ्यों का शरारत पूर्ण संयोजन किया, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो एक तो मुझे पहली बार शंका इस पर से हुई कि ये चालाकी करते हैं, ये जो शास्त्रों में लिखा है उसका चतुराधारा और थोड़ा छल पूर्ण प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो अच्छा नहीं है, छात्र के साथ अत्याचार है, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उनके प्रति आदर बना रहा। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि उनका भाषण हुआ, शायद गणतंत्र दिवस था, तो हाँ पक्का ये गणतंत्र दिवस पर बहुत प्रभावशाली भाषण हुआ, बड़ा तेजस्वी भाषण हुआ, और उसमें उन्होंने राम और कृष्ण और पैगंबर मोहम्मद और जीसस और गांधी इन सबके धज्जियां उड़ाई। तो युवा मन को लगता है भाई एक आलोचना भी सुननी चाहिए, कितना भी आदर हो, तो हमने बड़े प्रसन्न हुए। इसके तुरंत बाद क्योंकि जबलपुर एक राम और कृष्ण की भी उन्होंने आलोचना की, राम और कृष्ण भगवान की, हाँ खूब आलोचना की, और बड़ी कुशलता से करते थे, जिसमें लगे कि श्रद्धा भी है, और किसी एक कार्य से जैसे कि सीता वनवास प्रसंग या किसी या कृष्ण की लीलाओं से असहमति भी व्यक्त की। फिर बाद में अंतिम चरण में उन्होंने ये नहीं किया, मैं प्रारंभ का बता रहा हूँ, बाद में तो वो इसकी बड़ी व्याख्या करने लगे, वो उसके बाद में आएंगे, वो सब अंतिम चरण का है। प्रारंभ में उन्होंने आलोचना की और इसी से वो पॉपुलर हो गए, क्योंकि उस समय समाजवादियों का दौर था, कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों का, तो भारतीय संस्कृति और भारत के महापुरुषों के विरुद्ध बोलने का बड़ा भारी फैशन था, तो इसलिए फैशन को देखकर उन्होंने भी अपना सुर में सुर मिला दिया। मैं जो कह रहा हूं वो दूसरी बात है। उसी दिन गणतंत्र दिवस होने से अंजुमन इस्लामिया में भी उनका भाषण था। जबलपुर एक कस्बा नुमा शहर है, तो हम लोग सब पूरे शहर से ही परिचित थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वहां भी सुने आचार्य जी को। हम विद्यार्थियों का एक समूह था और एक विद्यार्थी के पास अपनी गाड़ी थी, तो उसकी गाड़ी में बैठ के गए। हमने वहां ये देखा कि उन्होंने और सब बातें तो लगभग वो भाषण पूरा का पूरा दोहराया, उसमें से पैगंबर मोहम्मद को गोल कर दिया।
मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा कि अभी तक तो मैं आचार्य श्री को चतुर लेकिन बहुत ही साहसी वक्ता मानता था, लेकिन आज तो इनको डरपोक भी मान गया। क्योंकि आप शहीद स्मारक में आप पैगंबर मोहम्मद की खिल्ली उड़ा रहे थे और अंजुमन इस्लामिया में जाके पैगंबर मोहम्मद के बारे में चुप हो गए, बाकी रामकृष्ण गांधी और बुद्ध पर खूब बोले, है ना। हाँ, वो जो पहली पुस्तक है वेदा के बुद्ध गांधी और अस्वीकृति में उठा हाथ ये था। खैर, तो मुझे पहली बार शंका हुई कि ये काफी चतुर और सांसारिक व्यक्ति है। फिर मैंने देखा कि बहुत संभल कर बोलते हैं और मुसलमानों के सामने कभी भी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। ईसाइयों के सामने तो जीसस पे बोलते रहे क्योंकि ईसाइयों को थोड़ा सुनने की आदत हो गई है एनलाइटनमेंट के बाद और यूरोप में रेनेसां के बाद और जागृति के बाद, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो राइट टाउन के बंद हाल में जो उन्होंने भाषण दिया वो फिर मुसलमानों की किसी सभा में नहीं दिखाया, तो इससे मुझे ध्यान गया। लेकिन इससे भी मुख्य बात यह है कि उनके भाषणों में शुरू से ये दिखता था कि उनका लक्ष्य स्पष्ट है, जनता में सम्मोहन या प्रभाव पैदा करना, लोकप्रियता पाना और फिर उसके द्वारा अपना यश या और भी ऐश्वर्य बढ़ाना। वस्तुतः कोई ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान देना उनका प्रयोजन मुझे उस समय बिल्कुल नहीं दिखा। ये कैसे नहीं दिखा, क्योंकि ये जीवन के बाद में भी आता है, ये अब इस समय ये बताना आवश्यक है। और उसके लिए सर्वोत्तम है जो उनका, जिसके कारण वो लोकप्रिय हुए, उस व्याख्यान जो पुस्तकालय में छपा उसकी चर्चा करें, संभोग से समाधि की ओर। अब जो लोग श्रोता हैं उनसे मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा, केवल जानकारी देता हूं कि भाई ये विषय ऐसा है कि अगर इस विषय को हमने सूक्ष्मता से, बारीकी से, दार्शनिक गंभीरता से नहीं बताया तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके श्रोताओं में, सभी श्रोताओं में, हर चैनल में कुछ बहुत मोटी बुद्धि के लोग भी होते हैं जिनके कुछ पल्ले नहीं पड़ते। वो मोटा मोटी देखते हैं, अरे तुमने मोदी का विरोध तो नहीं कर दिया, अरे तुमने राहुल का विरोध तो नहीं कर दिया, तुमने कांग्रेस का विरोध तो नहीं कर दिया, भाजपा का विरोध तो नहीं कर दिया, तुमने हमारे भगवान को कुछ कह तो नहीं दिया, उस भगवान को, ओशो को, जो स्वयं सब भगवानों के विरुद्ध बोलते थे, उनको आप कुछ मत कहिए नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। दूसरा एक होता है कि आप तो सेक्स की बात कर रहे हैं जो बड़ी गंदी बात है। अब वो विषय ऐसा है कि अगर हम उस विषय को बताएंगे नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही सावधान कर देता हूं कि आप लोग या तो इस विषय को न सुने, और सुने तो श्रद्धा से और गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसको समझे बिना उस पेज को समझा नहीं जा सकता जो रजनीश जी के चित्त में है। वो ये है कि उन्होंने संभोग के क्षण में, अंतिम जो क्षण होता है जिसे चरम क्षण कहते हैं, जिसे यौन क्रिया का चरम उत्कर्ष कहते हैं, जो एक तरह की एक्सटेसी परम आनंद का क्षण होता है, उसकी तुरंत समाधि से कर दी। और एक प्रकार से परोक्ष रूप से युवकों और युवतियों को प्रेरणा देने लगे कि अपने को ढीला छोड़ो, अपने को शिथिल रखो, अपने को जो होता है होने दो, तभी तुम समाधि के सुख तक जा सकोगे। और समाधि का द्वार जो है वो ईश्वर का द्वार है, भगवत्ता का द्वार है, चेतना का द्वार है, प्रकाश का द्वार है। और ये जानबूझ के उन्होंने किया, क्योंकि वो अनपढ़ नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, और ये नहीं जानते, ये अच्छी तरह जानते थे कि मैं छल कर रहा हूं, ये मेरा विश्वास। क्योंकि जब मैंने कहा भी कि ये तथ्यों का शरारतपूर्ण संयोजन है तो इसकी कोई काट उनके द्वारा या उनकी मंडली के द्वारा नहीं आई। तथ्यों का शरारतपूर्ण संयोजन इस प्रकार है कि ये जो समागम की क्रिया है, इसमें जो चरम क्षण आता है उसमें मनुष्य को जो एक प्रकार की स्तब्धता होती है वो अवश होती है, यानी उस क्षण उसका वश नहीं रहता। क्रिया के चरम उत्कर्ष के क्षण में, चरम आवेग के क्षण में जब व्यक्ति अवश हो जाता है, जो स्खलन होता है, उस समय एक तरह का एक क्षण को, जब एक ओर परम आनंद प्राप्त होता है दूसरी ओर एक तरह की स्तब्धता आती है, उस स्तब्धता का जो एक पल है उसको वो समाधि से तुलना कर रहे हैं। अब ऊपरी तौर पे तो वो समाधि से तुलनीय हो सकता है, लेकिन सत्य क्या है, सभी योग शास्त्रों में लिखा है कि योग स्ववश क्रिया,
जो क्रिया आप अपने वश में रहते हुए कर पाते हैं, इंद्रिय मन और बुद्धि सब जब स्वश हैं, आपके मन में आपकी इंद्रियां आपका मन और आपकी बुद्धि, इनका जब इन पर जब आपका पूर्ण नियंत्रण है, आपकी बुद्धि का जब आप गीता का वो सूत्र याद रखते हैं कि इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः, तो इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों हमारे नियंत्रण योग्य चीजें हैं और जो हमारी मूल चेतना है वो इनसे परे है। इस तथ्य को स्मरण करके जब आप कोई क्रिया करते हैं तो वो योग है। और आपने सेक्स की क्रिया की और घर्षण किया और समागम किया और फिर एक क्षण आया जहां आप स्तब्ध रह गए, आपका वश नहीं चल रहा है, आप बस स्तब्ध हैं, उसको आपने समाधि कह दिया। तो समाधि तो स्ववश क्रिया है ना, जहां आप इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों पर नियंत्रण रखते हैं। कहा भी है ना, देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी देश विशेष में चित्त को नियोजित करना धारणा है। फिर उसकी तत्व प्रत्ययिकतांता ध्यानम, धारणा एकतांता ध्यान है और फिर उसके बाद समाधि है ना। और जहां तीनों एकत्र होते हैं, धारणा ध्यान और समाधि, त्रय में एकत्र संयम, समाधि को कहा है स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो वो जो स्वरूप शून्यमेव एक सूत्र है, क्योंकि समागम के चरम क्षण में व्यक्ति जैसे स्तब्ध रह जाता है, तो उसे उन्होंने कह दिया यही स्वरूप शून्यमेव है और इसको समाधि कह दिया। अब ये छल है, शुद्ध छल है ये। ऐसे भी अगर उसकी तुलना योग की किसी क्रिया से करनी ही हो तो उसकी तुलना होगी कि जो प्राणायाम है उसमें से जो चतुर्थ प्राणायाम है, जिसको योग सूत्र में कहा है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, जब बाहरी और अभ्यंतर तीनों माने बाहर और भीतर दोनों में प्राण का रोध कर दिया जाता है, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, न बाह्य विषय कोई चित्र में रहते ना अभ्यंतर, और प्राण का रोध करते हैं, उसे चतुर्थ प्राणायाम कहते हैं। उस प्राण के रोध से अहम भाव यानी मम जो भी बुद्धि का, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, सूक्ष्म रूप बुद्धि का महत्तत्व और अहंकार, वो जो बुद्धि का महत्तत्व है वो और सामान्य शरीर इंद्रिय और मन, इनके दोनों के विच्छेद का ज्ञान होता है। यानी उस समय भी प्राणायाम भी जब ज्ञान पूर्वक करते हैं तभी वो योग का प्राणायाम है। अगर आपने ऐसे ही नाक ली और छोड़ी तो वो आपकी श्वास क्रिया है, श्वसन क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है। जहां ज्ञान करते हैं तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, जब प्राणों का बाहरी और अभ्यंतर दोनों स्तर पर रोध करते हैं और ध्यान करते हैं कि जो हमारा मूल व्यक्तित्व है, जो महत्तत्व है, जो अहम भाव है, वो शरीर और इंद्रिय से पर भी, इसका प्रमाण ये प्राणायाम है। क्योंकि प्राणायाम के समय आप बाहरी और अभ्यंतर दोनों विषय रोक देते हैं और शरीर इंद्रिय से आपका संबंध नहीं रहता, ज्ञान पूर्वक आप देखते हैं, तो वो एक विशेष स्तब्धता का क्षण है, उससे तुलना की जा सकती है समागम के, लेकिन बसरते वो ज्ञान पूर्वक हो। तो योग सूत्र में क्या कहा है, तथा क्षेत्र प्रकाशा वर्णम, उससे उस स्तब्धता से जो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक बाह्य और आभ्यंतर विषयों को रोककर शरीर इंद्रियां और मन से अपने अहम भाव का लगाव ध्यान में रखकर ज्ञान पूर्वक जो रोध किया जाता है, उससे प्रकाश का जो आवरण पड़ा हुआ है सामान्यतः है सामान्य चित्त में, वो क्षीण होता है। तथा क्षीयते प्रकाशा वर्णम, वो ठीक है। तो उस मान लो तुलना करनी ही थी तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, इस चतुर्थी प्राण चतुर्थ प्राणायाम से योग सूत्र से संभोग की उस स्थिति की तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये बताना आवश्यक था कि वो ज्ञान पूर्वक हो तब, और उससे केवल प्रकाश का आवरण क्षीण होता है, लेकिन उसे समाधि नहीं कह सकते। अब आचार्य जी ने उसे समाधि कह दिया, समाधि कह दिया तो लोगों को प्रेरणा भी दे दी। तो समस्त शास्त्रों में भागवत सहित वे ये कहा है कि भाई ये तो इंद्रिय लोल्य है, इंद्रियों का लोलुपता है, और इंद्रिय लोलुपता से कौन सा ज्ञान होता है, कौन सी समाधि होती है। तो सारे ही शास्त्रों की आपने टोली जला दी, न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय एवाभिवर्धते। भगवत क्या कहती है, गीता भी यही कहती है, न जातु कामा कामा नाम
भोग से काम कभी शांत नहीं होते। इसी को भागवत में, श्रीमद् भागवत में दूसरा श्लोक है, यत् पृथिव्याम ब्रीह यम हिरण्यम पशुस्त्रिय न दुहयन्ति मनः प्रीतिम पुंसाम काम हतस्य वै। कामहत पुरुष को सारे संसार की स्त्रियां भोग के लिए मिल जाए, सारे संसार का धन मिल जाए, सोना मिल जाए, तो भी तृप्ति नहीं होती। और रजनीश अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, धनी घरों के बेरोजगार युवक युवती या जिनको रोजगार की आवश्यकता नहीं है, माता पिता ने इतना धन कमाया है, उन युवकों युवतियों को इंद्रिय लिप्सा का की ललक पैदा की। इसके द्वारा उन्होंने उनका अनिष्ट किया और अपना यश बढ़ाया और धन बढ़ाया। तो ये बहुत स्पष्ट है कि उनके मन में ज्ञान देने की इच्छा नहीं थी, धन और यश पाने की और भीड़ जमा करने की इच्छा थी, ये बहुत स्पष्ट है। अब इसमें जब भारत में जो धनी घरों के लड़के हैं लड़कियां हैं उनको जोड़ने में वो काफी सफल हो गए, क्योंकि भोग तो किसे आकर्षित नहीं करता, देवताओं को भी कहते हैं आकर्षित कर लेता है, तो मनुष्य का क्या कहना। तो लोगों को भोग के लिए एक्टर्स एक्ट्रेसेस सब जुड़ चुके थे, सभी लोग जुड़ चुके थे सब, भोग के लिए कौन नहीं जुड़ेगा, भोग करो, निर्बंध भोग करो, अपने को ढीला छोड़ दो, नाचते नाचते गाते गाते बेहोश हो जाओ और इसके बाद इसको समाधि बताओ। यानी वो महा कलयुग का वर्णन तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जो अज्ञानी है शूद्र है वो ज्ञानी ब्राह्मण को आंख दिखाता है, टपकता है कि हम तुमसे कोई कम है। तो वही बात है कि भोगी जो है वो एक चित्रलेखा फिल्म में गाना भी है कि भोग भी एक तपस्या है, इस तरह की विकृतियां आ गई कि ये जो जग है इसको भोगना भी एक तपस्या ही है, ऐसे उत्पटांग व्याख्याएं होने लगी। सारे एक्टर एक्ट्रेस को लगा कि ये तो बड़ा सुंदर तरीका है, अपने को ढीला छोड़ो, इंद्रियों को ढीला छोड़ो, इंद्रिय रिक्शा को बढ़ाओ, मन ढीला छोड़ दो, कोई तनाव दबाव नहीं, कुंठा नहीं, कभी मन में पाप का भाव प्रायश्चित का भाव भी नहीं उगे कि अरे हमने ये क्या किया, हमने तो शरीर का क्षय किया, हमने तो मन को पाप में नियोजित किया, हमने तो जो अगम्य स्त्रियां हैं उनसे भी समागम किया या अगम्य पुरुष से भी समागम किया, पर पुरुष से रति की पर स्त्री से रति की जो महापाप कहा गया है, तो इन सब से मुक्त अनेकों पुरुषों से अनेकों स्त्रियों से समागम की, रुग्णता से कुंठा से विकृति से मुक्त एकदम निर्बंध, यानी आप पूरी तरह आसुरी पैशाचिक भाव में आ गए और ऊपर से अध्यात्म का गौरव किए, तो अध्यात्म है, तो जुड़ते चले गए जुड़ते चले गए। जब धन बहुत आ गया तो विदेश गए, विदेश में तो ये चीज पहले से ही है, वहां तो सेक्स का प्रचंड आकर्षण है, ऊपर से आपने उसको गरिमा दे दी। अब वहां मुख्य बात यह है कि वहां आचार्य जी जो भगवान बन गए थे भारत में, वो वहां जब काफी धनी चले आए और वो ऐश्वर्यवान थे, वहां के प्रभावी और प्रतापी लोग थे, तो होता है ना भोजपुरी में एक गाना है, चार गुंडा आगे चले चार गुंडा पिछवा, बिछवा में चला तू उतान सांवर गुरिया। जब आगे पीछे नेताओं का भी यही है, जब आगे पीछे भीड़ उमड़ती है तो वो सोचते हैं कि हम ही इस विश्व को चला रहे हैं, है ना। वो तो जो विवेकवान हो कोई नरेंद्र मोदी जैसा, तो वो कभी विवेक नहीं खोता, लेकिन नहीं तो नेताओं का अधिकांश जैसे कहते हैं माथा फिर जाता है, अरे मेरे साथ तो 10,000 लोग हैं 20,000 लोग हैं, एक इशारे पर भीड़ आग बढ़ा देगी। तो आचार्य जी को भी, यानी अब भगवान बन चुके आचार्य रजनीश को भी नशा हो गया कि मेरे साथ तो यूरोप के धनवान लोग हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं, धनी घरों के युवक युवतियां हैं, मेधावी भी हैं, पढ़ने में होशियार भी हैं, उनको बड़ा सुंदर हम भोग वासना में कुंठा मुक्त होकर लिप्त होने की प्रेरणा देके धन और यश और श्रद्धा सब कुछ कमा रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो ऊपर ऊपर स्वतंत्रता दिखती है यूरोप में और अमेरिका में, वो बस ऊपर ही है, मोहल्ले के स्तर पर, जहां पेरिश यानी पेरिश जो है मोहल्ले के चर्च हैं, मोहल्ले के स्तर तक चर्च हैं, चर्चों का जाल है, जहां जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लुथेरियन ऑर्थोडॉक्स जो भी चर्च हो, स्टेट में जो चर्च मान्य है प्रभावी है उसकी पेरिश यानी मोहल्ले तक रखाए हैं, और एक प्रकार से वो जासूसी का काम करते हैं। सारे ही चर्च के पादरी सदा से जासूसी करते थे
पहले तो उन्होंने यूरोप के लोगों के जीवन को दूभर कर रखा था, कष्ट कर रखा था। अब उनका विज्ञान की और आधुनिकता की प्रगति के बाद उतना वर्ष नहीं चलता, लेकिन चर्च का नियंत्रण है। तो उनको लगा है ये तो हमारे यहाँ जो हमारी मूल शक्ति है सेक्स पर कंट्रोल करना और लोगों को इसके लिए दंडित करना कि तुमने सेक्स तो नहीं किया, सेक्स ही ओरिजिनल सिन है, यानी जो बांधने का नियंत्रण का एक तरीका था चर्च के पास, आप उसको तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने तरह तरह के हथकंडे शुरू किए। अब जब हथकंडे शुरू किए तब रजनीश जी को कुछ होश आया, क्योंकि पहले तो वो सोचते थे अरे बस भारत तो ऐसे ही है और भारत के लोग तो समझते नहीं हैं, वो तो दकियानूस हैं और वो तो बहुत बंधन मानते हैं, वहां थोड़े से लड़के लड़कियों नटो नटिनियों फिल्म के नाचने गाने वालों को तो हमने जुटा लिया, पर वहां के प्रतिष्ठित लोग हमारा उतना आदर नहीं करते, अब यहाँ हम अखंड साम्राज्य फैलाएंगे, नरेश योगी से भी बड़ा। लेकिन चर्च की शक्ति उन्होंने नहीं समझी तो चर्च उनके पीछे भिड़ गया। और तरह तरह से चर्च तो पादरी लोग तो पिशाच ही होते हैं, वो तरह तरह से तंग कर लेते हैं उनके, कहीं नगर पालिका नगर निगम की नोटिस आ रही है, कहीं आपके आश्रम को अवैध कहा जा रहा है, कहीं आपकी एक एक गतिविधि में अड़ंगा लगाने लगे, वही जो हमारे यहाँ भी विरोधी दल के साथ नेता लोग करते हैं, जीना मुश्किल हो गया। और भी बहुत षड्यंत्र करने लगे, उनको विष देने की कोशिश हुई, उनको मार डालने की कोशिश हुई, बहुत अत्याचार हुआ। तब उनको पहले ध्यान आया कि अरे भारत तो इससे बहुत अच्छा है, हमको वहां के लोगों की इतनी पारंपरिक मान्यताएं, उन पर ऐसी कशाघात करते थे, ऐसी निर्मम चोट करते थे, ऐसा कट प्रहार करते थे, ऐसा भीषण आघात करते थे, तब भी किसी ने ये नहीं किया, सामूहिक रूप से किसी ने उनको मारने का और निष्कासित करने का और दंडित करने का कोई अभियान नहीं चलाया, किसी नेता का शरण लेने या संरक्षण की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ किसी ने उन पर चोट ही नहीं की। तब भारत का महत्व समझ में आया। तो उसके बाद जो उन्होंने आके भाषण दिए वो बहुत अच्छे भाषण भी हैं, कई उसमें भी उनकी चालाकियां हैं, एक एक भाषण को लेकर मैं अगर बताऊं तो घंटों लग जाएंगे, कभी बता देंगे, लेकिन वो फिर भी अच्छे भाषण हैं। और चूंकि वो वक्ता अच्छे थे, कथाओं के आख्यानों के रूपकों के प्रस्तुतिकरण में दक्ष थे और बहुत सुंदर ढंग से कहानियों के द्वारा बात कह देते थे, तो फिर उन्होंने यहाँ हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो महान शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनके आधार पर, गीता के आधार पर और अन्य ग्रंथों के भी आधार पर भाषण शुरू किए। और जाहिर है कि उससे फिर यहाँ नए सिरे से उनको आदर मिला। लेकिन अभी जो उनके शिष्य हैं वो ज्ञान के लिए शिष्य नहीं है। तीन तरह के लोग उनके शिष्य भारत में हैं। एक तो बहुत से लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो भाषण जो बहुत अच्छा देते हैं कथाओं और मुहावरों के द्वारा, बहुत से नेता मुझे मिले और बहुत से लेखक भी, तो उसको पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर भाषण देते हैं, तो उनके लिए बस वो उनका इतना ही उपयोग है। बाकी जो रजनीश से नहीं मतलब है, जो उनकी पुस्तक छपी है उसमें कथाएं लिखी हैं, सूक्तियां मुहावरे बोलने के तरीके कहानियां लिखे हैं, उसका बहुत से लोग भाषण में उल्लेख करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उन्होंने ह्यूमर का प्रयोग बहुत किया, ह्यूमर बहुत अच्छा हाँ हाँ विनोद का, और बहुत ही सुगम शैली में अपनी बात को कैसे कहना, तो वो लोग एक काम की चीज है। तो बहुत से लोग मैं जानता हूँ जिनको वो उनको पढ़ते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनको दर्शन से कोई मतलब नहीं। फिर सबसे बड़ी संख्या ऐसे युवक युवती जो निर्बंध भोग चाहते हैं, जिनकी कोई कुंडा है, वो भी उनके बड़े भक्त हैं और वो हृदय से भक्त हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि भाई ये जो दर्शन और ज्ञान है ये तो बहुत थोड़े से लोगों के लिए है ना, अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जना पारगामिना इतरस्तु प्रजा सर्वा तीरमेवान गच्छति। पार जाने ज्ञान के गहराई को जानने वाले अल्प मनुष्य ही होते हैं। अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जना पारगामिना इतरस्तु प्रजा सर्वा से लोग तीरमेवान गच्छति, तीर में ही समुद्र के तीर में टहलते रहते हैं। जो ज्ञान का समुद्र है उसके तीर में टहलते हुए नाचना गाना उच्छृंखलता करना मनमानी भोग करना वो भी बहुत आकर्षक लगता है। समुद्र में बैठना तो सबके वश का है नहीं, तो जो आचार्य रजनीश के ज्ञान का सागर है उसके किनारे पर टहलते हुए मौज मस्ती करने वाले युवक युवतियों की बहुत बड़ी संख्या, उनको महान चिंतक। वो क्या चिंतक है उनसे पूछ लो तो कुछ पता ही नहीं है, बस महान चिंतक है। क्यों? क्योंकि हमको उनको कहानियां पसंद आती हैं और
उछलने कूदने नाचने गाने सब भोग आदि करने की छूट पसंद आती है बस। जो ज्ञान की गहराई है, जो शास्त्रों में जिनके लगातार मनन है, वो तो साधना का विषय है, उससे छूट मिली हुई है, कोई साधना नहीं। सब गुरु बेकार हैं, सब पाखंडी हैं, सारी धार्मिक क्रियाएं बेकार हैं। तो देखो असली तो गीता का महत्व तो आचार्य रजनीश ने बताया है, और असली भगवान कृष्ण के विषय में चूंकि वो कहानी बहुत ही रोचक ढंग से कहते हैं तो वो परम प्रमाण हो गए। तो दूसरे तो ये युवक युवतियां हैं, और तीसरे जो प्रौढ़ हैं लेकिन इस समाज को खोखला बनाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, वो लोग भी रजनीश के शिष्य हैं। वो रजनीश के शिष्य तो उतने नहीं है जितना उनका इस्तेमाल करके भारतीय समाज को खोखला बनाना चाहते हैं। तीन प्रकार के लोग आचार्य जी के अनुयायी हैं। दर्शन की दृष्टि से उनमें सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने कभी भी वास्तविक दार्शनिक ज्ञान का कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसमें चालाकी और छल से उसका कुछ ऐसा भाष्य करते रहे कि जिससे अल्प बुद्धि या औसत बुद्ध लोग मोहित हो जाएं और उनको लगे कि वाह ये बहुत सुंदर रास्ता है, कि इसमें अपने मन की सारी लालसाएं निबंध छोड़ दे सकते हैं, भोग कर सकते हैं, और इसके साथ ही इसका गौरव रख सकते हैं कि असली तो हम ईश्वर को हम ही जानते हैं, और समाधि भी हम ही को आती है, और ध्यान भी हम ही जानते हैं, और योग क्या है ये भी हम ही जानते हैं, और तत्व क्या है ये भी हम ही जानते हैं, और हम तो साक्षात ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार का अहम भाव जो योग साधना में सबसे पहले अहम भाव को उसके सही स्थान पर लाया जाता है, उसकी बजाय ये अतिरंजित और विस्फारित अहम भाव बढ़ता जाता है, और इस तरह आचार्य रजनीश की माया फैल गई काफी भारत में, काफी व्याप्त। अब आगे कोई और प्रश्न हो तो बताइए, तब उसके सहारे बात को आगे बढ़ाएं। तो एक मैं देख रहा था, उन्होंने अष्टवक्र गीता को कंपेयर किया भगवद गीता के साथ। जी, उन्होंने कमेंट दिया कि अष्टवक्र ने जो ययाति को गीता बोली थी वो भगवद गीता से भी बेटर है। मुझे थोड़ा सा वहां पे रसाभास हुआ, क्योंकि अष्टवक्र तो महान भक्त है विष्णु के, और अष्टवक्र ये गलती नहीं कर सकते कभी भी कंपैरिजन की, क्योंकि कोई भी नहीं श्रेष्ठ कह देना तो एक निरर्थक कथन है ना। उनको बताना चाहिए कि क्या श्रेष्ठ है दर्शन की दृष्टि से। ये तो नेताओं वाला भाषण हुआ कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, अष्टवक्र गीता से भगवद गीता कम श्रेष्ठ है। क्या कम श्रेष्ठ है? वो कौन सा ज्ञान है जो अष्टवक्र गीता में अधिक है और भगवद गीता में नहीं है? उसके मीमांसा करके, ये ज्ञानियों की भाषा नहीं है, ये पॉपुलिस्ट लेक्चर है ना, लोकप्रिय भाषण है, ये किसी ज्ञानी का वक्तव्य हो ही नहीं सकता। दो शास्त्रों में इस तरह की तुलना करना ये ज्ञानियों की भाषा ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो क्या करता है, प्रत्येक ग्रंथ के ज्ञान का मर्म खोलता है। वो बता देंगे अष्टावक्र गीता में मर्म की बात ये है और भगवद गीता में ये है, तुलना की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलना का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों में मूल तत्व तो परमात्मा और भक्ति और ज्ञान यही विवेचित है, उसमें तुलना कैसी। लेकिन अगर तुलना करनी ही है तो उसका विस्तार से अर्थ खोलकर बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या कमी है। अगर वाक्यों की, रूपकों की, उपमाओं की, अलंकारों की किसी में कमी या अधिकता है तो ये तो ज्ञान के क्षेत्र में तुलना के योग्य बात नहीं है। और तत्व ज्ञान की दृष्टि से अष्टावक्र गीता तो भगवद गीता थोड़ा हल्की ही बैठेगी अगर तुलना ही करनी है, लेकिन मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता से अच्छा एक तुलना आप ये कर सकते हैं, अष्टावक्र गीता कहाँ लिखी गई? भारतवर्ष में, संस्कृत में। भगवद गीता कहाँ कही? भारत में भी है। भगवान है, महाभारत में भी कन्वर्सेशन अष्टावक्र का हुआ है। हाँ, भारत में ही है, महाभारत में भी है, भारतवर्ष में ही लिखी गई, अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूं, और भगवद गीता भी महाभारत में ही है। मुख्य बात यह है कि भारत में जहां की वास्तव में जहां की भाषा में इन महान ग्रंथों की रचना हुई और जहां के लोग श्रद्धा से अपने शास्त्रों पढ़ते हैं, उनको देख लो कि उनमें से कितने लोग भगवद गीता को जानते हैं और कितने अष्टावक्र गीता को। ज्ञानियों में ही भगवद गीता अधिक प्रिय है कि अष्टावक्र गीता? ये देखिए ना, एक व्यक्ति की उनकी सनक या झक से तो निर्णय नहीं होगा, ज्ञानियों का देश है ना भारत, तो ज्ञानियों के बीच कौन अधिक लोकप्रिय है, किसका रोज पारायण होता है, किसका प्रवचन होता है, किसकी व्याख्या होती है,
किसकी शरण में लोग जाते हैं, तो भगवत गीता के। तो अब आप, आपका सेंस ऑफ अथॉरिटी गड़बड़ है, क्योंकि आपका सेंस ऑफ अथॉरिटी आपका ईगो है, अहंकार है, जबकि सेंस ऑफ अथॉरिटी ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी तत्वदर्शी है ना, आप तो वचन। तो आप तो पुरुषों ने तो अष्टावक्र गीता को भगवत गीता से श्रेष्ठ नहीं कहा है, कोई आप तो वचन नहीं है। तो फिर ये रजनीश के मन की लहर है या कुछ नया बोलना है, शुरू में शुरू से ही उनमें प्रवृत्ति थी कुछ नया बोलने की, तो उन्होंने कह दिया उसका कोई आधार नहीं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सभी लोग सुनना चाहते हैं नया नया। हमारे शास्त्रों में एक ही कथा को बार बार सुना जाता है, क्योंकि एक ही कथा में से नया कुछ मर्म निकलता है। तो जिनेजी स्वामी जी भी जो है वो हमेशा सातवां स्कंद भागवत पुराण का पढ़ते रहते हैं, नरसिंह देव की जो लीला पढ़ते रहते हैं बार, क्योंकि उसी में से कुछ नया निकलता है, उसी कथा में से कुछ नया निकलता है। तो जो नया दिखे सो पपेरा, तो जैसे मुझे कोई कल बोल रहा था अमिशा जी कुछ नई कहानी सुनाई, नया ऐसा सुनाइए जो कहीं पर भी ना हो, देखा ऐसा कुछ नया सिस्टम है नहीं। मनुष्य का क्या है कि मनोरंजन चाहिए। देखिए इसमें योग शास्त्रों में बहुत ही रोचक ढंग से कहा गया है, योग शास्त्रों में समझाया गया है कि सामान्य मनुष्य सत्य के ग्रहण में असमर्थ होता है। जैसे अगर उससे कह दें कि भाई सत्य बोलने से चित्त निर्मल होता है और चेतना प्रकाशित होती है, तो उसको ये शब्द ही अनावकर्षक लगेंगे। सत्य बोलने से चेतना निर्मल होती, चित्त निर्मल होता है और चेतना का प्रकाश आता है, क्या है ये, कुछ आकर्षक नहीं लगेगा। अगर ये कह दिया जाए कि सत्य बोलने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, सब कहें हाँ हाँ हाँ, अरे वाह क्या महिमा बताई है। और जबकि सत्य क्या है, सत्य यह है कि सत्य बोलने से चित्त निर्मल होता है, प्रज्ञा प्रदीप्त होती है, प्रकाश का आवरण क्षीण होता है, आपके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है, बस इतना सा सत्य है। लेकिन वो लोगों को आकर्षक नहीं लगता। और भौतिक चीज कि 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इससे बड़े खुश होंगे। तो सामान्य मनुष्य को भौतिक उदाहरण और नित्य नई नई कहानियां किससे या कोई नया आकर्षण लुभाता है। ये एक तरह से मन भी तो इंद्री ही है ना, 11वीं इंद्री, तो मन को भी नया, जैसे इंद्रियों को नया नया भोग लुभाता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, उसी तरह मन को भी नया नया आस्वादन चाहिए। तो ये जो इंद्री और मनो के स्तर पर लिप्त लोग हैं उनको नयापन बहुत पसंद है, तो वो नया 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 ढंग उन्होंने दिया। आजकल तो मौलिक और नया कहने का चलन है, नया वाह क्या मौलिक है, जबकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि जो शास्त्र से पुष्ट है वही प्रामाणिक है, जो नया है वो संदिग्ध है। लेकिन वो नया रजनीश जी भी खूब नया बोले, नया बोले तो लोगों ने लपक लिया, क्योंकि वो मन के स्तर पर जी रहे हैं। इंद्री और मन के, जो इंद्री और मन के स्तर पर जिएगा उसका मन हमेशा नई नई चीजों की ओर लटकेगा, और जो ज्ञान की साधना करेगा वो सत्य और प्रमाण प्रामाणिक ज्ञान की खोज में रहेगा। तो ये फर्क है, ये अंतर है। महाभारत में 15,000 से 16,000 कहानियां हैं, 16,000 कहानियां महाभारत में 18 पर्व में, और सब लोग जानना चाहते हैं मुसल पर्व की कहानी सिर्फ, कि कृष्ण चले गए, जबकि आचार्य उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि दुख का वो है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी चले गए, हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। तो आचार्य बहुत दुख का विषय है, आचार्य लोग कभी रासलीला की बात नहीं करते क्योंकि वो कृष्ण का पर्सनल विषय है, व्यक्तिगत है, वो पर्सनल है, सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है, वो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा। और लोग बोलते हैं एकलव्य के साथ अन्याय हुआ, इस तरह की बातें करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, अन्याय कुछ नहीं हुआ उसके साथ, कोई अन्याय नहीं हुआ। एकलव्य को जिस समय युद्ध हुआ है उस समय जो अनेक सेनापति आए हैं उसमें से एक सेनापति एकलव्य है जो दुर्योधन की ओर से लड़ा है, बिल्कुल। तो जो सेनापति है उसके साथ क्या अन्याय, वो मूर्ख लोग क्या बोलते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है ना, वैसे ही मूर्ख लोग वहां पे चले जाते। एकलव्य महाभारत युद्ध से पहले खत्म हो गए थे, युद्ध से पहले हो गए थे उनका, महाभारत में युद्ध नहीं किया उन्होंने, लेकिन किसी एक युद्ध में सेनापति हैं वो। हाँ, कृष्ण से युद्ध किया उन्होंने, कृष्ण से युद्ध किया उन्होंने, हाँ सेनापति के रूप में वो आते हैं, इतना मुझे ध्यान है, मुझे भ्रम हो रहा है कि वो महापुरुष हैं कि भगवान। हाँ भगवान, मुझे भी था पहले, लेकिन वो उसके पहले उनका वध हुआ।
महाभारत इतना विस्तृत है कि भूल जाता है। निषद राज है ना, निषद के क्षत्रिय है, निषद राज है, राज है। और महाभारत तो अथाह सागर है ना, उसकी कहानियां थोड़ा भ्रम हो जाती हैं कई बार। मुझे भी बहुत भ्रम, मैं तो भूल जाता हूँ, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होती है फिर बाद में पढ़नी पड़ती है वापस। महाभारत ऐसी है कि एक एकलव्य एक महान सेनापति है, ये ध्यान है मुझे। बिल्कुल महान सेनापति है, क्योंकि अगर उनका युद्ध लड़ रहे हैं तो कोई क्षत्रिय क्षत्रिय से युद्ध लड़ेगा, तो क्षत्रिय ही माना गया उनको, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए कि जब वो तो हम लोगों को सबको मालूम है कि चर्च ने रजनीश जी को पूरी तरह खत्म किया अमेरिका में, क्योंकि मार डालने की कोशिश करी और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी कुछ ऐसे कार्य किए जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि फंसाने के लिए उनको किए उन्होंने, क्या मोल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते वो हमको पता नहीं है। एक्चुअली मोल भी थे और कुछ स्त्रियां भी थीं जो उनको एकदम चूस लेना चाहती थीं, और अंत में आखिर रजनीश जी को इतने बीमारियों के शिकार हो गए। देखिए उनके जो पुणे वाला आश्रम है उसमें लिखा रहता था कि जूते और दिमाग बाहर रखकर आइए, तो उसका कारण ये नहीं था, दिमाग तो ऐसे ही जोड़ दिया, असल बात ये थी कि उनको काफी बहुत सा संक्रमण हो जाता था, उनकी त्वचा बड़ी संवेदनशील हो गई थी, बाल झड़ गए थे, और जो तमाम उन्होंने पहले हीरे वगैरह अंगूठी पहनी थी सब उतारना पड़ गया था, और कई तरह के रोग उनको हो गए थे। तो भोग से तो होता है ना, भोगे रोग भयम, इतना भोग किया कि उनको रोग हो गया, तो रोग अंत में वो रोगों से मरे हैं। लेकिन चर्च तो उनको वहीं मार डालना चाहता था, यूरोप में ही। अच्छा इतना तो कहना पड़ेगा कि मान लो जो रजनीश के भक्त हैं वो आखिर उनके सुंदर व्याख्यानों उनकी कहानियों किंवदंतियों इन सब के भी तो भक्त हैं, तो उस अर्थ में वो ग्राहकता ही है। लेकिन अगर उनसे आप निर्बंध भोग सीख रहे हैं तो ये आपका पतन है, इतना ही मैं कहूंगा। अगर सीखने हैं तो रजनीश से जो उनके सुंदर भाषण हैं, भाषण की शैली है, कहानी है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं, विनोद है, ह्यूमर है, वो सीखिए, वो आपको काम देगा। और उनको एकदम परम गुरु ना मान लीजिए, उनको अनेक गुरुओं में से एक अच्छा आचार्य मान लीजिए, और ये संभोग संभोग उनसे मत सीखिए, उससे आपका शरीर खोखला हो जाएगा। जब आपका इतना स्वस्थ सुडौल सुंदर शक्तिशाली गुरु ही सैकड़ों रोगों का शिकार होकर मरा तो आपकी क्या गत होगी। अपने गुरु से यही सीख लो कि क्या करना और क्या नहीं करना। कितने रोगों का शिकार होकर गुरु जी मरे आपके आचार्य जी रजनीश, तो उनसे रोग तो मत सीखो, उनसे गुण सीखो, उनसे इंद्रिया बोलना सीखो। इंद्रिया संयम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय संयम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंद्र की तृप्ति कभी पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से, वो इसीलिए बोलते हैं काम रूप दुरासदम आवश्यक है। काम रूप दुरासदम सबसे पहले महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम सबसे है। लेकिन मान लो जिनको चस्का है, जो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कैसे पतंगों को भी तो शौक होता है ना कि जाके लौ में जल जाएं, तो हो सकता है किसी के संस्कार ऐसे हो कि उसमें ऐसा उन्माद चढ़े कि कोई बात नहीं, शरीर तो नाशवान है, एक दिन भोग अपने मन का भोग है, तो भोग लें और भोग अंत में दुख भी भोगेंगे। लेकिन शरीर भोग से आप मरेंगे नहीं, रोगी हो जाएंगे, तो वो बहुत कष्टकर है। भोग में भी संयम आवश्यक है, क्योंकि अगर आचार्य रजनीश जैसा सुंदर स्वस्थ दृष्ट पुष्ट समर्थ सब प्रकार से धनवान ऐश्वर्यवान व्यक्ति इतने रोगों का शिकार हो गया कि उसको अपने सब अंगूठियां और जेवरात हटाने पड़े, सब बाल झड़ गए, कोई आप सुगंध लगा के नहीं जा सकते, उनको जो गंध आएगी उससे बीमारी हो जाएगी, तेल नहीं लगा के जा सकते आश्रम में, और इतनी सेंसिटिव त्वचा हो गई है, इतना उनका सारा मन और इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, तो आप उस गति को पाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आपकी गुरु भक्ति आपको रोगी बनना सिखाती है तो जरूर बनिए, कोई हर्ज नहीं है। और हम तो एक दार्शनिक के नाते यही कहेंगे कि उससे जो उनके गुण है वो सीखिए, और जिस चीज ने उनको स्वयं को कष्ट दिया वो आप मत सीखिए। थैंक यू वेरी मच आपका शेयर करने के लिए, और दर्शकों के लिए भी आप देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और रामेश्वर जी की प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करिए।
प्लेलिस्ट जो है साइकोलॉजी का अवेलेबल है, इनके 70 से ज्यादा लेक्चर्स हैं साइकोलॉजी पे, आप उनको सुनिए। और सारे पॉडकास्ट पे हैं तो आप ड्राइव करते हुए भी सिर्फ सुन सकते हैं, आपको सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है, आप लगा दीजिए, क्योंकि प्रोफेसर रामेश्वर पंकज जी की वाणी एकदम मधुर और दार्शनिक है। और हमारे चैनल पे से दो ही दार्शनिक मैं बोलता हूँ, एक रामेश्वर जी हैं, दूसरे नीलेश चौक जी हैं। तो आप उनको सुनिए और ध्यान दीजिए उनकी बातों पे, यू लर्न अ लॉट। और वो जो श्लोका कोट कर रहे हैं उनको सर्च जरूर करिए, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, कहाँ से कोट कर रहे हैं, कौन सा श्लोक कोट कर रहे हैं, किस बात के लिए कौन सा कोट श्लोक कर रहे हैं। क्योंकि वो जैसे मैंने सुना है रामेश्वर जी, अगर आप कोई भी कथन बोले उसके पीछे कोई श्लोक होना चाहिए, इससे आप वेदों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी बात प्रमाणिक हो जाती है फिर उसके बाद कि कहीं कोट किया है। इसीलिए मैं श्लोक कोट करता हूँ। हाँ, तो लोग उसके नोट्स बनाइए श्लोक, मैंने लिख लिया इनके 2-3 श्लोक अभी, मैंने अभी जाके सर्च करूंगा फिर याद करूंगा मैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब, थैंक यू वेरी मच। और 24-25 को हमारे साथ सैन डिएगो में जुड़िए लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा। अगस्त की में है, और अगर आप लोग अमेरिका में हैं तो शैलेंद्र जी भी यहाँ पे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।